हेलो डियर स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी चैनल लखनऊ गुरुकुल पर आज हम देखेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर जो फर्स्ट है उसका ठीक है जो कि आपका क्लासिकल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट ठीक है तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है इसमें आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं इसके थ्रू आप लोग अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे जाएंगे तो आपको पता है कि दस क्वेश्चंस टोटल आते हैं जिसमें से आपको केवल पाँच क्वेश्चंस यहां पर सॉल्व करने होते हैं जो कि आपके लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चंस रहते हैं ठीक है तो लॉन्ग टाइप आपको सॉल्व करना होता है और यहाँ पर कुछ जानकारियाँ भी दी गई हैं जैसे कि

या मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालना है ये क्वेश्चन uh, नंबर जो है वो आपका पंद्रह नंबर का क्वेश्चन है ठीक है अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन वर्च्यू इज नॉलेज एंड ऑन इट्स बेसिस इवेलुएट प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस सदगुण ही ज्ञान है कि व्याख्या करते हुए प्लेटो के न्याय के सिद्धांत का यहाँ पर मूल्यांकन करना है ठीक है ये भी आपका पंद्रह नंबर का प्रश्न है ठीक है अब बढ़ते हैं आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका uh, कि द स्टेट इज ियर टू इंडिविजल इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट पहले ही इस कथन के आलोक में राज्य सिद्धांत की व्याख्या करनी है ये भी आपका पंद्रह नंबर का क्वेश्चन है ठीक है अगला प्रश्न है चौथा कि मार्ग द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सिसरो के राजनीतिक दर्शन में योगदान को यहाँ पर चिन्हित करना है ये भी आपका पंद्रह नंबर का क्वेश्चन है ठीक है पंद्रह नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन आपका होता है अगला है कि, uh, the the, uh, the पर नहीं पर पुस्तक है इस कथन के आलोक में प्लेटो के शिक्षा के सिद्धांत की, की आलोचनात्मक व्याख्या करनी है ध्यान रहे जब आपको क्रिटिकली यानी कि आलोचनात्मक व्याख्या करनी है तो उसकी आलोचना करते हुए उसकी व्याख्या करनी है ठीक है तभी आपको पूरे पंद्रह नंबर यहाँ पर मिलेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवॉल्यूशन इन एरिस्टोटलेस पॉलिटिकल फिलोसफी क्रिटिकली एवेल्यूएट इसे भी आपको क्रिटिकली एवेल्यूएट यानी कि आपको आलोचना के साथ व्याख्या करनी है इसका मूल्यांकन करना है ठीक है तो अरस्तु के राजनीतिक दर्शन में क्रांति की अवधारणा से आप क्या समझते हैं इसका आलोचनात्मक आपको यहाँ पर मूल्यांकन करना है बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन है

पहला वाला क्वेश्चन दस नंबर टेन प्लस फाइव का हो ऐसे ये पूरा क्वेश्चन पै, पैटर्न हो ठीक है दस क्वेश्चन आपको इस पर मिलेंगे पांच नंबर आपको इस पर मिलेंगे तो टोटल नंबर ऑफ अगर देखा जाए तो पंद्रह नंबर का क्वेश्चन है ठीक है ये चीज़ आपको इमेजिन करनी पड़ती है ऐसे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करके निकाला जाता है उनका जो आ, एक प्रकार से जो एन एवरेज होता है कि कैसे किस क्वेश्चन में आपको नंबर मिलेंगे वेटेज के अकॉर्डिंग लास्ट क्वेश्चन है राइट एंड नोट ऑन द पॉलिटिकल थॉट ऑफ

कि आंसर लॉन्ग होना चाहिए ठीक है तो फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपसे भी बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप ये पी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लें वहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके पी डी आपको मिल जाएंगे ठीक है वहाँ से जाकर के आप अपने क्वेश्चंस को यहाँ पे इवेल्युएट कर सकते हैं जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहेगा फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद